नमस्ते, एसटी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी इंस्टेंट आलू चिप्स जो बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पता चले कि ये कैसे इतनी क्रिस्पी बनती है। अगर आप ये इंस्टेंट आलू चिप्स इस तरीके से बनाएंगी तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनती है। देखिए ये कितनी क्रिस्पी बनती है, देखिए आवाज से ही आपको पता चल रहा होगा ये कितनी क्रिस्पी बनती है। ये महीनों तक इसी तरीके से क्रिस्पी बनी रहती है। इसे मैं आपको तोड़ के भी बता रही हूँ कि कितनी क्रिस्पी बनती है ये। ये देखिए इतनी क्रिस्पी बनती है ये। तो चलिए देखते हैं हम इंस्टेंट आलू चिप्स बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। आलू चिप्स बनाने के लिए मैंने 4 बड़े साइज का आलू लिया है। इसे छिल के और मैंने पानी में डाल दिया है। और आधी कटोरी है कॉर्नफ्लावर। चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले हम एक आलू ले लेंगे और इसे किसी कपड़े से पोंछ लेंगे अच्छी तरीके से। अब हम इसके स्लाइस काट लेंगे। तो चिप्स कटर से हम इसके स्लाइस को काट लेंगे। इस तरीके से हम चिप्स के स्लाइस को काट लेंगे और इससे हम इस तरीके से फैला लेते हैं, इस तरीके से दबा के इसका मॉइस्चर जो है इसका पानी सुखा लेंगे। एक चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से हम मिला लेते हैं। ये बिल्कुल क्रिस्पी बनती है इस तरीके से और बिल्कुल कुरकुरी रहेगी बहुत दिनों तक। तो इस तरीके से हम इसको मिला लेते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिलाने के बाद अब हम तेल गरम करेंगे और तेल गरम करने के बाद उसमें चिप्स को फ्राई करेंगे। चिप्स तलने के लिए मैं तेल गरम कर रही हूँ। तेल को अच्छी तरीके से गरम होने देंगे। तेल अच्छे तरीके से गरम हो गया है। अब फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे और एक एक स्लाइस हम इसमें चिप्स के डालते जाएंगे। जितने भी स्लाइस आ जाए इसमें डाल देंगे। अब चिप्स को हम पलट लेते हैं। पलट के इसे हम दोनों साइड से अच्छे तरीके से सेक लेंगे और फ्लेम को हम मीडियम से लो रखेंगे। ज्यादा तेज आंच पे हम चिप्स को नहीं तलेंगे, नहीं तो चिप्स जल जाएगी और कुरकुरी नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए मीडियम से लो फ्लेम पे हम इसे तलेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनती है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। ये अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। एक आलू के चिप्स को मैंने फ्राई कर लिया है। मैंने यहाँ 2 आलू के स्लाइस काटे हैं। तो हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे। एक आलू पे हम एक ही चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे। तो मैंने यहाँ 2 आलू के स्लाइस काट लिए हैं। तो 2 चम्मच हम कॉर्नफ्लावर डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। फिर से हम तेल में आलू के स्लाइस को फ्राई कर लेंगे। ये मैंने सारे आलू के चिप्स को फ्राई कर लिया है। इसे आप तल के एयर टाइट कंटेनर में रख दें और जब भी खाना हो तब चाट मसाला, मिर्च और नमक डाल के खाएं। इसमें नमक डाल के एयर टाइट कंटेनर में न रखें, नहीं तो इसमें नमी बनती है और नमी बनने से चिप्स हमारा थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। आप अगर इस तरीके से आलू चिप्स बनाएंगी तो ये बहुत दिनों तक क्रिस्पी बनी रहेगी। अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।